दोस्तों, यह मंदिर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के शव को गोदी में उठाकर ले जा रहे थे, तब उनके गले का हार टूटकर इस जगह पर गिर गया और तब से ही इस शहर का नाम माई का हार यानी मैहर पड़ गया। मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए आपको 1063 सीढ़ियों को पार करना होगा। हालांकि अब वहां रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार मंदिर की स्थापना 522 ईसा पूर्व हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां सबसे पहले माता का श्रृंगार आला और उदल ही करते हैं। ये भी परंपरा मंदिर में अभी भी जारी है। कहा जाता है कि कोई आधी रात में मंदिर जाता है तो आला और उदल की आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ती है। ये भी मान्यता है कि सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 9वीं व 10वीं शताब्दी में यहाँ पूजा अर्चना की थी। यहाँ पर हम सब भी रोपवे का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारा नंबर आएगा तो हम ट्रॉली में बैठेंगे। यहाँ पे भक्तों के लिए नाश्ते का भी प्रबंध किया गया है। दोस्तों, शारदा देवी मंदिर से मैहर का दृश्य, मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे आला तालाब दिखाई देता है। यह नहीं, तालाब के पास ही आला अखाड़ा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आला और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। अब तक यहाँ कई सारी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। इसी रहस्यमय क्रियाओं की वजह से माता का मंदिर अब भी रहस्यपूर्ण है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिकों की टीमें भी डेरा जमा चुकी हैं, परंतु इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके हैं। दोस्तों, ट्रॉली में बैठने में हमें बहुत ही मज़ा आई और उसे उतरने के बाद आपको फिर लाइन में लगना पड़ेगा मैया के दर्शन के लिए। और वहाँ पर आपको ये शिलालेख भी मिलेंगे। यहाँ पर ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर लोग अपनी मान्यता अनुसार चुनरी बांधते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो चुनरी खोल देते हैं। ये देखिए, लोगों ने जगह जगह माता रानी के यहाँ चुनरी बांधी है। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे पंडित जी पूजा कराते हैं। बहुत भीड़ थी दोस्तों उस दिन। हम सब ने लाइन लगाकर माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। ये मंदिर के अंदर का दृश्य देखिए। ढोल बजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं यहाँ पर। ये मैहर माता की जय है। और मंदिर से बाहर निकलते ही दोस्तों भंडारा चल रहा था। हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार पर्ची भी कटा सकते हैं। मेरे साथ एक बार बोलिए, शारदा माता की जय।